फतेहपुर जिले में बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने वाले सभी अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन ने आकाशीय बिजली से मारे गए लोगों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में बीते 24 घंटे में आकाशीय बिजली लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटी है। जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक मवेशियों की भी मौत हो गई है। बताते चले कि आज सुबह ललौली थाने के वाहिदपुर गांव में दंपत्ति गोरेलाल और उनकी पत्नी सुनीता खेतों में मूंग तोड़ रही थी, तभी बरसात के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत नाजुक है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल शाम ललौली थाने के गणेशपुर गांव में बरसात के दौरान बिजली गिरने के वजह से उसकी चपेट में आए अधेड़ उम्र के मुन्नालाल यादव भी मौत के शिकार हो गए। वहीं गाजीपुर थाने के बड़ा गांव खेतों में काम करते वक्त एक युवक शिवदत्त की मौत हो गई, तो खेतों में बकरियां चरा रही 10 साल की मासूम प्रियंका की भी मौत हो गई। इस दौरान अलग अलग थाना इलाकों में 1 दर्जन से अधिक मवेशियों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है। आज आकाशीय बिजली गिरने से मेरे भट्टे के पीछे वाहिदपुर निवासी गोरेलाल कुशवाहा सनाप रामकुमार कुशवाहा व उसकी पत्नी सुनीता पत्नी गोरेलाल की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर, और बिटिया अंजू घायल है। ये हुए कि जानवर चराने गए थे खेत में, आकाशीय बिजली गिरने से इनकी ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गणेशपुर। क्या नाम है इनका? मुन्नूलाल। फतेहपुर सदर तहसील के अंतर्गत गाजीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में कल दिनांक 28/6/2022 को आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, और आज दिनांक 29/6/2022 को ग्राम वाहिदपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इन व्यक्तियों की जो है नियमानुसार जाँच करा ली गई है। दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको जो है जो सहायता राशि दी जानी है, उसकी प्रक्रिया जो है कार्रवाई पूरी की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।